नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में और आपके साथ मैं हूँ संध्या शर्मा। भारतीय हिंदू कैलेंडर की गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है। दुनिया के तमाम कैलेंडर किसी न किसी रूप में भारतीय हिंदू कैलेंडर का अनुसरण करते हैं। इस पंचांग और काल गणना का आधार है विक्रम संवत, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की प्राचीन अवंतिका नगरी से हुई। सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में यह कैलेंडर जारी हुआ, इसीलिए इसका नाम विक्रम संवत पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और जानते हैं विक्रम संवत के महत्व और सम्राट विक्रमादित्य के इतिहास के बारे में। संवत, काल या समय को मापने का वो पैमाना जिसे भारतीय कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। भारतवर्ष में विक्रम संवत के अनुसार नया साल मनाने की परंपरा है। जिस विक्रम संवत को हम मानते हैं, उसका आरंभ भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने किया। दरअसल 57-58 ईसा पूर्व मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने भारत को शकों के अत्याचारी कुशासन से मुक्त करवाया था। इसी विजय की खुशी और याद में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को विक्रम संवत का आरंभ हुआ। इस संवत के प्रवर्तन की पुष्टि ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ से होती है। इसके अनुसार विक्रमादित्य ने 3044 कली अर्थात 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के समय में सबसे बड़े खगोलशास्त्री वराह मिहिर थे, जिनकी सहायता से इस संवत के प्रसार में मदद मिली। विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, यानी वर्तमान वर्ष 2023 में 57 का जोड़ करते हैं तो इस हिसाब से विक्रम संवत 2080 का आरंभ होता है। विक्रम संवत को गणितीय नजरिए से एकदम सटीक कालगणना माना जाता है। जैसा कि वराहमिहिर ने भी लिखा है और उससे पहले सूर्य सिद्धांत में भी आया है और बाद के विभिन्न ज्योतिष की पुस्तकों में आया है कि जो उत्तर से दक्षिण जाती हुई जो तत्कालीन भूमध्य रेखा थी, वो लंका से उज्जैन और उज्जैन से उत्तर मेरु तक जाती थी। तो मध्य स्थान जो है वो उज्जैन ही रहा है और यहाँ से उसकी गणना होती थी और इसीलिए विक्रमादित्य ने उस गणना को सार्थक करने के लिए अपना संवत चलाया। भारत का राष्ट्रीय संवत। भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता दी गई, लेकिन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से विक्रम संवत को ही राष्ट्रीय संवत के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। दुनिया भर में भले ही अंग्रेजी कैलेंडर का प्रचलन बहुत अधिक हो, लेकिन भारतीय कैलेंडर की महत्ता कम नहीं हुई। आज भी व्रत त्योहार, महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, विवाह व अन्य कार्यों की तिथि भारतीय कैलेंडर के अनुसार ही देखी जाती है। विक्रम संवत को भारत के अलग अलग राज्यों में गुड़ी पड़वा, उगादि, चैत्र नवरात्र आदि के नाम से मनाया जाता है। शक संवत। शक संवत को सरकारी रूप से अपनाने के पीछे ये वजह दी जाती है कि प्राचीन लेखों, शिलालेखों में इसका वर्णन देखा गया है। इसके अलावा यह संवत विक्रम संवत के बाद शुरू हुआ। अंग्रेजी कैलेंडर से ये 78 वर्ष पीछे है।
2023 से अगर 78 हम कम कर देते हैं तो होता है 1945। इस प्रकार अभी 1945 शक संवत चल रहा है। चैत्र महीने में ही क्यों मनाया जाता है नववर्ष? चैत्र महीना प्रकृति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा इस महीने में सुबह के समय का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। हिंदू धर्म में चंद्रमा और सूरज को भी देवता की तरह पूजा जाता है और चैत्र महीने में ही चंद्रमा की कला का पहला दिन होता है। ऋषियों मुनियों ने नववर्ष के लिए चैत्र महीने को एकदम उपयुक्त माना है। यही कारण है कि इसी दिन नववर्ष मनाया जाता है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को श्री राम ने जन्म लिया। राम भक्त इसी दिन को रामनवमी के रूप में भी मनाते हैं। वहीं राम जी के इसी महीने जन्म लेने की वजह से इस महीने का महत्व और बढ़ जाता है। इसके अलावा शक्ति और भक्ति के 9 दिन यानी नवरात्र का पहला दिन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष से ही शुरू होता है। इसके अलावा चैत्र महीने में ही किसानों की फसल पकना शुरू हो जाती है, यानी साल की शुरुआत देश के किसानों के मेहनत का फल मिलने का भी समय होता है। चैत्र महीने के पहले दिन नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं। आसान भाषा में समझें तो इस दिन किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए यह शुभ मुहूर्त होता है। हिंदू कैलेंडर के अलावा भारत में 5 बार नया साल मनाया जाता है। दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से नववर्ष मनाने की परंपरा है। ऐसे में सभी समुदाय अलग अलग तिथि और माह में अपना नववर्ष मनाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ ही एक ऐसा देश भी है जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और यही कारण है कि हमारे देश में एक साल में 5 बार नववर्ष मनाया जाता है। ईसाई नववर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दुनिया में नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है। इस धर्म के अनुसार नए साल की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 से हुई। ईसाई धर्म के लोग ग्रीगोरियन कैलेंडर के आधार पर 1 जनवरी को अपना नववर्ष मनाते हैं। पारसी नववर्ष। पारसी अपना नया साल नवरोज उत्सव के रूप में मनाते हैं। 3000 साल पहले शाह जमशेद जी ने नवरोज मनाने की शुरुआत की थी। पंजाबी नववर्ष। पंजाब में नए साल की शुरुआत बैसाखी पर्व के साथ होती है। सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार होली के दूसरे दिन से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। जैन नववर्ष। जैन समुदाय का नववर्ष दीपावली के अगले दिन से शुरू होता है। इसे वीर निर्वाण संवत के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामी नववर्ष। इस्लामिक कैलेंडर का नया साल मुहर्रम होता है। इस्लामी कैलेंडर पूरी तरह से चंद्र आधारित कैलेंडर है, जिसके कारण इसके 12 मासों का चक्र 33 सालों में सौर कैलेंडर को एक बार घूम लेता है। भारत की प्राचीन अवंतिका नगरी जो आज का उज्जैन है, यहाँ के राज सिंहासन पर बैठकर सम्राट विक्रम सेन हर छोटे बड़े अमीर गरीब सभी के साथ समान व्यवहार रख न्याय किया करते थे। आज भी उज्जैन के रुद्र सागर के निकट सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन 32 और उनकी प्रतिमा मौजूद है, जो हमें याद दिलाती है बेताल 25 और सिंहासन 32 की कहानी। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्टों और उनके हाल जानने के लिए छद्म वेश धारण कर नगर भ्रमण करते थे। इतिहास में वे सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक हुए। महाराजा विक्रमादित्य के बारे में विस्तार से वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। इतना ही नहीं, राजा विक्रमादित्य के नैतिक शिक्षाओं का संकलन बृहत्कथा, बैताल 25 और सिंहासन 32 जैसे अमूल्य ग्रंथों से प्रकट होता है। उज्जैन के रुद्र सागर के बीच विक्रम टीले पर सम्राट विक्रमादित्य की 25 फीट ऊंची प्रतिमा सिंहासन 32 पर स्थापित है। प्रतिमा के सामने विक्रमादित्य के 9 रत्नों की मूर्तियां भी लगी हैं। साथ ही आसपास 32 पुतलियों के पाषाण प्रतिमाएं भी सुशोभित हैं। इन 32 पुतलियों के साथ उनसे जुड़ी कहानियां भी लिखी हैं, ताकि जब भी यहां कोई पहुंचे तो पढ़ने के बाद सम्राट की बुद्धिमता समझी जा सके। बताया जाता है कि विक्रमादित्य को यह सिंहासन इंद्रदेव ने दिया था, जिसमें स्वर्ग की 32 श्रापित अप्सराएं पुतलियां बनकर स्थापित थीं।
जो निकट से विक्रमादित्य की न्याय निष्ठा को देखती थी। सिंहासन 32 कथाओं का संग्रह है। उज्जैन में सबसे महत्वपूर्ण राजा विक्रमादित्य का नाम आता है। विक्रमादित्य की महिमा आज तक लिखित रूप में, लोक परंपरा में, अनुश्रुतियों में, गीतों में, गाथाओं में और साहित्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में उच्च कोटि के गणितज्ञ, वैद्य, कवि, गायक, साहित्यकार और कई विद्वान शामिल थे, जिनमें रक्षा विशेषज्ञ और नीतिकार भी थे। सम्राट विक्रमादित्य के इन 9 रत्नों की ख्याति पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी हुई। तो आइए जानते हैं इन 9 रत्नों के बारे में। राजा विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न हुए, उनकी प्रतिमा भी इस टीले पर स्थापित है। इन 9 रत्नों की अपनी अपनी खासियत थी। धन्वंतरी, इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं जो चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित हैं। चिकित्सा में ये बड़े सिद्ध हस्त हुए। जब किसी वेद की प्रशंसा करनी होती है तो उन्हें धन्वंतरी की उपमा दी जाती है। क्षपणक, जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, ये बौद्ध सन्यासी थे। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व जीविकोपार्जन का साधन नहीं थे, बल्कि जनकल्याण की भावना से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता था। यही कारण है कि सन्यासी भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। इनके लिखे ग्रंथ हैं भिक्षाटन और नानार्थकोश। अमर सिंह, ये प्रकांड विद्वान थे। अमरकोश ग्रंथ के आधार पर इनका यश अखंड है। शंकु, इनका पूरा नाम शंकुक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बड़ा प्रसिद्ध रहा। इन्हें संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना गया है। बेताल भट्ट, विक्रम और बेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। बेताल पंचविंशतिका के रचयिता यही थे। बेताल 25 से ही यह स्पष्ट होता है कि सम्राट विक्रम के वर्चस्व से बेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। घटखरपर, मान्यता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा, उनके यहाँ वे फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तब से ही इनका नाम घटखरपर प्रसिद्ध हो गया और वास्तविक नाम लुप्त हो गया। इनकी रचना का नाम भी घटखरपर काव्यम ही है। यमक और अनुप्रास का यह अनुपम ग्रंथ है। इनका एक अन्य ग्रंथ नीतिसार के नाम से भी प्राप्त होता है। कालिदास, ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राणप्रिय कवि थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्ज्वल स्वरूप निरूपित किया है। वह न केवल अपने समय के अप्रतिम साहित्यकार थे, बल्कि आज तक भी उन जैसा कोई दूसरा साहित्यकार उत्पन्न नहीं हो सका। उनके 4 काव्य और 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। शकुंतला उनकी अन्यतम कृति मानी जाती है। वराह मिहिर, भारतीय ज्योतिष शास्त्र को इनसे गौरव प्राप्त है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। इनमें बृहज्जातक, सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांति मुख्य हैं। गणक तरंगिणी, लघु जातक, समाज संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा का भी इनके नाम से उल्लेख पाया जाता है। वररुचि, वररुचि ने पत्र कौमुदी नामक काव्य की रचना की। पत्र कौमुदी काव्य के आरंभ में उन्होंने लिखा है कि विक्रमादित्य के आदेश से ही वररुचि ने पत्र कौमुदी काव्य की रचना की। इन्होंने विद्यासुंदर नामक एक अन्य काव्य भी लिखा। इसकी रचना भी उन्होंने विक्रमादित्य के आदेश से की थी। काव्य मीमांसा के अनुसार वररुचि ने पाटलिपुत्र में शास्त्रकार परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये आरंभ से ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। न केवल राजा था, बल्कि एक विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। वो अपने समय के जो श्रेष्ठ कवि थे, विद्वान थे, उन सबको उसने अपनी सभा में सम्मान दिया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कवि कालिदास का नाम है। ना कभी अतीत में हुआ, ना भविष्य में होगा, इस किंवदंती को राजा विक्रमादित्य ने सच कर दिखाया। विक्रमादित्य ने अपने नाम के मुताबिक दुनिया भर में सफलता का परचम इस तरह लहराया कि
कि पूरा विश्व देखता रह गया। सम्राट ने पूरे एशिया पर अपना शासन जमाया था। इसी के साथ चीन, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ भाग में भी उनका शासन फैला हुआ था, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य है। और इसके बाद कोई भी शासक अपने साम्राज्य को इतनी भव्यता नहीं दे सका। न्यायप्रिय और पराक्रमी होने के साथ साथ सम्राट विक्रमादित्य प्रजाप्रेमी भी थे। इनके समय में भारत के विशाल भूभाग पर क्रूर और अत्याचारी शकों का शासन था, जिन्हें परास्त कर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने राजसिंहासन हासिल किया और न्याय किया। लेकिन कहते हैं कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं, जिनके अधीन रहकर ही राजा विक्रमादित्य न्याय किया करते थे और शासन भी किया करते थे। सम्राट विक्रमादित्य के जाने के बाद अब यहाँ एकमात्र राजा है और वो हैं राजा महाकाल। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।